के बच्चों के प्रभावशाली टीकाकरण के लिए जिला में स्वास्थ्य विभाग ने की EVIN की शुरुआत। दो दिन की वैक्सीन ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने ट्रेनिंग कार्यशाला कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यशाला में ट्रेनिंग लेने वाले कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। जिला करनाल में जिले के सभी लक्षित बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए EVIN शुरू हो चुका है, जिसके संदर्भ में राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों ने जिले के सभी कोल्ड चेन पॉइंट पर कार्यरत सभी कोल्ड चेन हैंडलर की EVIN के उपयोग करने हेतु व्यक्तिगत प्रशिक्षण दिया गया। आज जिला उपायुक्त निशांत यादव के द्वारा सभी कोल्ड चेन हैंडलर को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरित किए गए। EVIN अब भारत के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी 508 जिलों में सफलता से चलाया जा रहा है। मोबाइल और वेब पर संचालित यह एप्लीकेशन देश में 2 वर्ष से छोटे करीब 70% बच्चों के लिए 20,238 से अधिक कोल्ड चेन पॉइंट पर वैक्सीन लॉजरी टक्स के बेहतर प्रबंधन में मदद दे रहा है। इस समय EVIN को हरियाणा, पंजाब, केरल और तमिलनाडु के सभी जिलों में अपनाया जा रहा है। एक नया इनिशिएटिव है EVIN, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, उसका लॉन्च हुआ था। और जितने भी हमारे कोल्ड स्टोरेज हैंडलर्स हैं, जो मेनली हमारे फार्मासिस्ट हैं या ANMs हैं, जो PHCs और CHCs पे कोल्ड स्टोरेज हैंडल करते हैं, उनको 2 दिन का प्रशिक्षण दिया गया कि कैसे EVIN इनिशिएटिव पे जो अभी लॉन्च हुआ है उस पर कैसे अपलोड करना है डेटा। और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी वैक्सीन की हमारी अवेलेबिलिटी है उसको हम एक बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकें। अगर कहीं स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में लेट से वैक्सीन की एक्सेस है, तो हमें रिपोर्ट आ जाएगी कि वहाँ पे एक्सेस वैक्सीन है, या कहीं पे शॉर्टेज है तो उसकी भी जानकारी मिल जाएगी। तो एक तो इसका उद्देश्य ये था कि वैक्सीन की मैनेजमेंट बेहतर तरीके से हो पाएगी। दूसरा इसका ये था कि आने वाले समय में, जैसे मुझे बताया गया कि लगभग 1.5-2 महीने में ये प्रोसेस भी वो करेंगे कि जो उनका वैक्सीन का टेम्परेचर है उसको भी डिजिटलाइज करके उसका भी ऑनलाइन पोर्टल पे हमें पता चल जाएगा कि जो वैक्सीन का टेम्परेचर है वो किस लेवल पे कंट्रोल हो रहा है। उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या नजर आएगी तो उसको इमीडिएटली फिर उसका निराकरण किया जा सकेगा, ताकि किसी भी कीमत पे, किसी भी कॉस्ट पे वैक्सीन खराब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये मैं कहूँगा कि बड़ा ही सराहनीय कदम है। मैं हमारी पूरे जिले की स्वास्थ्य टीम को इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सर। सर एक हटके क्वेश्चन है सर, कल जो सबकी हड़ताल का आह्वान किया है कई संगठन ने, इस तरह से क्या तैयारी है? इसमें 1 तो 7 को पहले रोडवेज की स्ट्राइक प्लान थी, जो कि अब उन्होंने कॉल ऑफ कर दी है। कल जो सर्वव्यापी देशव्यापी हड़ताल, उसमें सारे के सारे जो कर्मचारी यूनियन हैं वो उसमें भाग ले रही हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब ना हो पाए, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के लिए रोडवेज की सर्विसेज हों, इस तरह की किसी भी समस्या को हम, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। कर्मचारियों ने हमें आश्वस्त किया है, यूनियनों ने, कि वो जो है शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर भी अगर कहीं पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से एलवाइज लगा दिए हैं, और पुलिस की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन पे रहेगी, ताकि कहीं पे भी कोई डैमेज ना हो। तो धारा 144 वगैरह, धारा 144 लगा दी गई है जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट पे लगाई। तो सर एक्स्ट्रा फोर्स वगैरह की भी कोई? बिल्कुल जी, हमने जो हर एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स दिया है, जो मेजर इंस्टॉलेशन है, जैसे ऑफिसर्स हो गए, 33 KV के सब स्टेशन हो गए, इस तरह की जगह पे भी हमने राइडर्स और पुलिस फोर्स की। सर कुछ अपील करना चाहेंगे आप कर्मचारी? मैं सभी कर्मचारियों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी उनकी मांगे हैं, किसी भी लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपनी मांगे रखना जायज़ है, लेकिन वो मांगे अपनी शांतिपूर्ण तरीके से रखें। किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को, किसी भी पब्लिक व्यवस्था को, सेवा को, सर्विस को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना करें। अगर इस तरीके से कोई भी कर्मचारी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके लिए, उसके खिलाफ हम नियमानुसार सख्त कार्रवाई। सर कल आरकेपुरम में प्रशासन द्वारा अवैध कब्जों को लेकर किला बंजा चलाया गया। सर बहुत ही, जो मॉडल टाउन के अंदर बहुत ही, काफ़ी पिछले सालों से ना, काफ़ी देर से मतलब कब्जे हुए पड़े हैं, लोगों ने जितनी अपनी जगह उससे डबल कब्जा किया हुआ है, लेकिन उस पर वहाँ पर रसूखदार लोग रहते हैं, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासन की तरफ से, क्या कहना है? नहीं, इस पे जो आरकेपुरम पार्ट 2 में और जो मंगलपुर से एरिया में जो कार्रवाई हुई है वो इसलिए हुई है क्योंकि फिलहाल अनलाइसेंस कॉलोनी और इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। जैसा कि आपने अब मेरे संज्ञान में लाया है कि मॉडल टाउन में भी इस तरह की इशूज हैं, तो जरूर दिखवा लेंगे। कहीं पर भी शहर में किसी भी अवैध तरीके से अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं किया। सर एक सचिवालय के सामने रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पर 2 नंबर और 3 नंबर बिल्डिंग है, उसके हालात काफ़ी
प्रस्ताव किसी कर्मचारी भी है जो बेसिकली ओल्ड बिल्डिंग है जो जिसमें पहले एक बार प्रपोजल चला था कि जो संभागीय आयुक्त हैं उनका दफ्तर बनाया जाए और उनका रिकॉर्ड रूम बनाया जाए, अब वो उस जगह को शिफ्ट करके सेक्टर 32 में हमने प्रस्ताव सरकार को भेजा है उस बिल्डिंग की रिपेयर के लिए अकॉर्डिंगली, चूँकि अब उसकी आवश्यकता चेंज हो गई है और वो डिविजनल कमिश्नर ऑफिस की बजाय अब अन्य विभागों को काम में लाई जाएगी, उस आधार पर हम PWD डिपार्टमेंट से उसकी रिपेयर करें। ठीक है।